Assalamualaikum, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज का टॉपिक है कि हमने बाइनेंस पे जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं बाय सेल करते हैं उस पर हमने लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर स्टॉप लिमिट ओ सी ओ यानी कि वन कैंसल्स दिया था वन उसको किस तरह से यूज़ करना है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है एक बाइंग ठीक है बाइंग में लिमिट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप एक प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस लगाते हो वो बाइंग हो सेलिंग हो जो भी हो वहाँ पे आप बाय करते हो या सेल करते हो तो एक प्राइस लगाते हो लेट सपोज मैं बाय करना चाहता हूँ थर्टी नाइन थाउजेंड डॉलर पर मैं सिंपली ये लिख दूँगा वन वन बी टी सी लिख दूँगा यहाँ पे ये देखें वन बी टी मेरा अगर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो बाइंग एक ऑर्डर लग जाएगा मार्केट मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट ऑर्डर में आपने क्या करना होता है मार्केट ऑर्डर में आपने सिंपली जो है जितनी अमाउंट आपने सेल करनी है देखें परसेंटेज के हिसाब से ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड या उससे कम जितनी भी ठीक है आपने सेल करनी होती है वो आपको ये बता रहा है ऑप्शन दे रहा है ठीक है आपको अच्छा होपफुली ये क्लियर हो गई होगी ये चीज़ टोटल का मतलब यहाँ पे है ये है कि यू अगर आप यहाँ पे इसमें सेल नहीं भी करना चाहते ना लेट सपोज़ आपने कोई भी चीज़ बाई की हुई है सौ डॉलर की और वो फिफ्टी परसेंट के प्रॉफिट में है तो अपना आप कैपिटल निकालना चाहते हो तो आप सिंपली टोटल लिखा हुआ है ठीक है आप सिंपली यहाँ पर हंड्रेड क्लिक करते हो ठीक है और मार्केट प्राइस पर सेल कर देते हो तो बाकी जो पचास डॉलर का बचाए फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट जो आपको है, जो हुआ है यानी कि पचास डॉलर जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका एक्सचेंज में रह जाता है और सौ डॉलर आपके निकल आते हैं मार्केट ऑर्डर का सिंपली सिंपल ये मतलब है अगर आप परसेंटेज से सेल नहीं करना चाहते तो ये यूज़ करो फिर अगर अमाउंट की बात की जाए अमाउंट का मतलब ये होता है कि आपके पास उस एसेट की उस कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी है सिंपली आप यहाँ पे क्वांटिटी इंक्लूड करते हो इस तरह से ठीक है आप कहते हो कि एक बी मैंने सेल करना है ठीक है लगे सपोज आपके पास दो बी हैं आपने एक सेल करना है एक होल्ड करना है तो आप एक क्लिक करो और मार्केट पर सेल कर दो उसी टाइम ऑन द स्पॉट सेल हो जाएगा ठीक है स्टॉप लिमिट हम अब सेलिंग पे चलते हैं अच्छा लिमिट ऑर्डर का वही सेम सिनेरियो है आपने लेट सपोज मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ओपन की हुई है ऑलरेडी फोर्टी टू थाउजेंड डॉलर पे लेट सपोज मैंने अपना फिफ्टी परसेंट जो है जो कि हमने थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक ट्रेड ओपन की थी ठीक है अगर मैंने उस लॉन्ग पोजीशन को लॉन्ग यानी कि स्पॉट में लॉन्ग ठीक है जब प्राइस ऊपर जाती हैं तो आपको फ़ायदा होता है सिंपली मैंने क्या करना है मैंने जो है इस पर क्लिक कर देना है और मैंने एक प्राइस लिख लेनी है बयालीस हज़ार डॉलर की ठीक है कि बयालीस हज़ार में मेरा फर्स्ट टीपी हिट हो जाना चाहिए और मैं कहता हूँ कि मैंने लेट सपोज़ एक बी लिया हुआ है तो पॉइंट मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ ठीक है इस प्राइस पॉइंट पर तो ये एक बात होती है ठीक है आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ बाइंग सेलिंग का लिमिट में एक ही सिनेरियो है अच्छा वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आता है अमाउंट टोटल ठीक है लेट सपोज मैंने आ, जो है चालीस हज़ार डॉलर का बी लिया हुआ है और मैं अब प्रॉफिट्स में हूँ दो हज़ार डॉलर के ठीक है बयालीस हज़ार का लेट सपोज हो जाता है मैं दो के प्रॉफिट में हूँ मैंने क्या करना है सिंपली मैंने जो है यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है ठीक है तो मैंने ट्वेंटी वन थाउजेंड का सेल कर देना है सिंपली फिफ्टी परसेंट विथ प्रॉफिट मैंने सेल कर देना है इस तरह से मैं करूँगा अगर अमाउंट है तो वहाँ पे वही सेम सिनेरियो पॉइंट फाइव बी टी सी मैंने सेल कर देना है सिंपली मार्केट पे ही ठीक है जैसे कि लिमिट में हमने किया था लिमिट ऑर्डर लगता है और मार्केट ऑन द स्पॉट सेलिंग होती है स्टॉप लिमिट ठीक है स्टॉप लिमिट का मतलब ये है कि आप कम लॉसेस में आपका एक अपना इन्वेलीडेशन जोन होता है कि यहाँ तक प्राइस आए मेरा ये पोजीशन साइज है मैं इतन, इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ इससे ज़्यादा नहीं कर सकता तो यहाँ तक अगर प्राइस आती है तो एक्सचेंज जो है वो मेरी ए, मेरी ट्रेड क्लोज कर दे कम लॉस में ठीक है सिंपली आप क्या करते हो स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने लेट सपोज़ स्टॉप लॉस लगाया छत्तीस हज़ार चार सौ सतानवे पे ठीक है तो छत्तीस हज़ार चार सौ सतानवे पे आपका स्टॉप लॉस है ठीक है तो आपने क्या करना है छत्तीस हज़ार चार सौ पे स्टॉप स्टॉप में ही इंक्लूड कर देनी है ये चीज़ ठीक है कि जब प्राइस आपकी आए ठीक है समझे इस चीज़ को लेट्स सपोज आप नाइन्टी सेवन पे सेल कर रहे हो ठीक है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे आपने क्लिक करना है ठीक है और लिमिट में आपने लिख देना थर्टी सिक्स थाउजेंड 497. अब सिंपल सा सिनेरियो है ठीक है जब प्राइस 36,500 पे आएगी आपका एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया जाएगा इस पे सेल करने का जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी प्राइस तीन डॉलर का फर्क है तो सीधा आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी इन जोन पे आई होप यहाँ तक ये यह चीज़ क्लियर होगी होगी दिस इज हाउ पुट अ स्टॉप लॉस ऑन आर ट्रेड्स ठीक है अच्छा फिर एक और चीज़ ओ अब ओ का क्या मतलब है ओ जो है एक ऐसा ऑर्डर है कि जहाँ पे आप जो है सेल भी कर सकते हो और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो तो ये सबसे बेटर और मेरा फेवरेट है मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ ठीक है अब इसमें क्या होता है इसमें आपने एक प्राइस सेलेक्ट करनी होती है कि मैंने यहाँ पे सेल करना है यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे सिर्फ आपके आप यहाँ पे ठीक है आप जो है सेल भी कर रहे हो और स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो इन केस अगर प्राइसेस जो हैं वो डाउन आती हैं तो आप कम लॉसेस में निकल आओगे वरना अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं आपके टारगेट हिट हो जाएंगे लेट सपोज मैं बी टी सी यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ बयालीस डॉलर पे फर्स्ट डी ठीक है मेरा स्टॉप लॉस वही सिनेरियो होगा ठीक है छत्तीस हजार पाँच सौ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मेरा स्टॉप लॉस क्या है आप देख सकते हैं ये रेड जोन ये स्टॉप लॉस मेरा है छत्तीस हजार चार सौ सतानवे पे तो मैंने क्या करना है छत्तीस हज़ार चार सौ मैंने यहाँ पे प्राइस लगा देनी है तो जब छत्तीस हज़ार पाँच सौ प्राइस आएगी तो मेरा एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा कि छत्तीस हज़ार चार सौ मुझे सेल करना है तो जैसे ही प्राइस इस प्राइस पॉइंट को टच करेगी मेरी अमाउंट सेल हो जाएगी अब यहाँ पे वो है कि कितनी सेल करनी है तो यहाँ पे मैं पॉइंट फाइव लिख लेता हूँ ठीक है पॉइंट फाइव इस तरह से मैं लिख लेता हूँ लेट सपोज तो मेरी आधी अमाउंट जो है इस तरह से सेल हो जाएगी सिंपल नो कॉम्प्लिकेशन आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ठीक है जी और कोई क्वेरीज नहीं होगी सबसे आसान तरीका है फोन में भी यही सेम सिनेरियो आपने यूज़ करना है ठीक है सो या आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज़ ठीक है सेम सिनेरियो आपने फ़ोन में भी यूज़ करना है इसको ट्रेड करने के लिए इस तरह से अच्छा तो या yeah, इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारा कंटेंट आ रहा है स्टेट्यूट और रोड uh, मैप बन चुका है सब रेडी है इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए एडवांस लेवल चीज़ें भी ला रहा हूँ बेसिक्स में कुछ चीज़ें रहती हैं आप सबकी ट्रेडिंग गाइड्स में तो पहले मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ ठीक है बाकी अगर आपने हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री है इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न क्रिप्टो लर्न ट्रेडिंग विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज़ और साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं मार्केट की क्रिप्टो मार्केट की सो यू कैन ज्वाइन ठीक है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें वैस्सलाम.